सो गाइज दिस इज हाउ जनता कर्फ्यू लुक्स लाइक. जिंदगी में पहली बार हुआ है मेरी, मतलब अभी तक कभी मौका ना आए ये दोबारा ऐसा, लेकिन ऐसा सब कुछ होता है जनता कर्फ्यू के अंदर. और हम सारे भारतवासी हैं अपने डॉक्टर, पूरे देश के साथ हैं, अपने पीएम के साथ हैं, दुनिया के साथ हैं, और उन डॉक्टर्स के साथ हैं जो हॉस्पिटल में हम लोग के लिए दिन रात जुटे हुए हैं इसको ख़त्म करने के लिए. तो यार हमारा भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि अपने देश का और दुनियावासियों का साथ दे दुनियादार, पूरी दुनिया का, इस कोरोना वायरस की लड़ाई के अंदर. आप देख सकते हो यहाँ पे एक बच्चा है, वहाँ पे उधर पूरी फैमिलीज हैं, सब लेके खड़ी हुई हैं. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं सबको, वो पूरे हो रहे हैं. और इसके अंदर कोई भी पॉलिटिक चीज़ शामिल नहीं है कि बीजेपी, कांग्रेस, फलाड़ में करना, कुछ नहीं. इवन आई एम नॉट अ बीजेपी सपोर्टर, नॉट अ कांग्रेस, सपा, किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ. लेकिन हमारे इस समय जो देश के पीएम हैं, वो शायद दुनिया के जितने भी प्रधानमंत्री, उन सबसे अच्छी चीज़ कर रहे हैं इस समय. और उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए मैं उनके साथ खड़ा हूँ इस लड़ाई के अंदर. और मैं चाहता हूँ आप लोग भी इस लड़ाई में उनके साथ खड़े रहिए और उनका साथ दीजिए इस जनता कर्फ्यू के अंदर. कोरोना वायरस की लड़ाई में हमें कोरोना वायरस को हटाना है इस दुनिया से. आप सब देख सकते हैं इस समय जितने भी भारतवासी सब अपनी छतों पे हैं. और 5 बजा भी नहीं है, 4:56 हुआ इस समय, और सब आ गए हैं अपनी छतों पे. Still 2 minutes to go. It's 4:58. And 5 बजे बोला गया था, लेकिन लोग 5 बजे से पहले ही आ चुके हैं, 10-15 मिनट पहले ही आ गए छतों के ऊपर. ये देखिए छोटे छोटे समर्थन आ रहे हैं, समर्थक आ रहे हैं सब. और करते हैं वो देखिए बूढ़े बूढ़े अंकल आंटी. And it's finally 5 PM. Guys, this is not a joke. ये हो रहा है, ये मजाक कुछ नहीं हो रहा है. ये सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ लड़ाई हो रही है जो हम लोग को लड़नी है, उसमें साथ दिखाना है, साथ जाहिर करना अपना. ये देखिए सब यहाँ पे आ गए हैं. 5 मिनट का बोला गया था कि 5 बजे से लेके 5:05 तक आपको करना है ये चीज़, लेकिन ये 15 मिनट से चल रहा है. और मैं 15 बजे छत के ऊपर, और मैं सुन रहा हूँ आवाज़ें, लोग ताली बजा रहे हैं, लोग वो स्टील के बर्तन लेके बजा रहे हैं, लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, लोग किसी ना किसी तरीके से अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं. और 5:05 हो चुके हैं और अभी तक ये चीज़ चल रही है, तो ये चीज़ जाहिर करती है कि हम सब ह्यूमैनिटी के लिए किस तरीके से एकजुट होकर खड़े होते हैं और अपने पीएम के साथ कैसे हैं इस लड़ाई के अंदर, ताकि वो अपने देश को इस चीज़ से निकाले और बाकी देशों को इस चीज़ से निकलने में मदद करें और दुनिया को ये जाहिर कर सके कि यार जो इतनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और एक डेवलपिंग कंट्री है, तो वो चीज़ों को कैसे हैंडल करती है. क्योंकि अगर इंडिया के अंदर खुदा ना करे ये चीज़ फैल जाए, बहुत बड़े तौर पे खुदा ना करे फैल जाए, अगर तो रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि इंडिया के अंदर वो फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं जो लोग कहते हैं. है तो बहुत अच्छी यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इन कंपेरिजन टू US, इटली, चाइना, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे. फिर भी अभी 3rd वीक जो चालू है, तब भी हमारे पास इतने कम मामले हैं. और यही वीक अब आने वाले जो 4th और 5th हफ्ता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर. तो देख ली कैसे हम लोग खड़े हुए हैं साथ सब लोग. यस, वी आर इन द सपोर्ट ऑफ जनता कर्फ्यू. और अपने ये एक जेस्चर है अपने डॉक्टर्स को थैंक यू बोलने का, जो अपना जान पे खेल के हम लोग की मदद कर रहे हैं. अब हॉस्पिटल्स में रह रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा खतरा है, बल्कि स्टिल वो लोग वहाँ पे, क्योंकि वो डॉक्टर है. एक डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात बोली, उनसे पूछा गया कि डॉक्टर साहब आपको क्या डर नहीं लगता इस चीज़ से, कोरोना वायरस से? उसने सीधे बोल दिया, कह रहे जिस दिन हम लोग ने अपनी डॉक्टर की शपथ ली थी उसी दिन सारे दिल से डर निकाल दिए थे, और उसी दिन कसम खा ली थी कि जान पे खेल के बचाना होगा मरीज को, तो वो भी कर लेंगे, अपने घर को, अपने पूरे परिवार को दांव पे लगा के किसी को बचाना होगा वो भी कर लेंगे. तो
तो ये बात उनकी दिल पे छू गई है। और सही में आज जो डॉक्टर जाहिर कर रहे हैं चीज़ की दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान पे खेल रहे हैं, हर चीज़ पे खेल रहे हैं, और वो 24 घंटे हॉस्पिटल में रह के हम लोग के लिए लड़ रहे हैं वहाँ पे, और कोशिश कर रहे हैं कि कोई इसका एंटीडोट निकाला जाए ताकि अपने देश को, दुनिया वासियों को बचाया जा सके। तो डॉक्टर से बड़ा कोई आई गेस घर में नहीं होता, कोई भी प्रोफेशन नहीं होता। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल द डॉक्टर्स जो भी वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू। अब एक चीज़, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कोरोना वायरस को देखने का कि सब लोग इस समय घर के अंदर बंद हो गए, और ये इतना अच्छा मौका मिला है हम लोग को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि जब से ये इंटरनेट सोशल मीडिया आया है कुछ पिछले 20-25 सालों से हम लोग फैमिली से दूर हो चुके हैं, और दूर क्या मतलब घर के अंदर रह के भी फैमिली के साथ नहीं है। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग घर में इस समय सब लोग हैं, कोई बाहर निकल नहीं रहा, तो प्लीज़ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, सोशल मीडिया से हट जाओ और फैमिली के साथ रहो, क्योंकि अपना जो नॉर्मल दिनों में ये मौका कभी नहीं आता है, और खुदा ना करे ये आए भी ना, मतलब ये चीज़ तो आए ना, लेकिन फैमिली के साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, क्योंकि एक दिन मिलता है संडे, उसमें सब लोग आराम कर रहे होते हैं, और फिर भी टाइम साथ हो के भी साथ नहीं होते हैं। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। और दूसरी चीज़, कुछ लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया में, मैंने देखा है कि जो मदर नेचर के साथ हम लोग इतने समय से अत्याचार करते आए हैं और उनको फॉर ग्रांटेड लेता है, अपनी धरती को, अपनी अर्थ को फॉर ग्रांटेड लेता है, ये हम लोग के पे बैक किया जा रहा है। अब इस पर हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर हम उसको देखें तो कहीं ना कहीं ये बात सच भी निकलती है, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है दुनिया समय पूरे हर जगह पर लॉकडाउन किया गया है, तब से देखा गया है कि पॉल्यूशन रेट कम हो गया है। अभी कुछ फ़ोटोज़ आई थी, मैं फ़ोटोज़ इंटरनेट पे आई थी कि वेनिस के अंदर पानी जो है वहाँ पे वो पूरा क्लियर हो चुका है, फिशेज वापस आ गई हैं। चाइना के अंदर पॉल्यूशन रेट 90% गिर गया है। इंडिया की बात करूँ, मैंने आज ही एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा दिल्ली के अंदर, जो कि 900 नॉर्मल था, आम बात रहती थी कि हमेशा नॉर्मल डेज में 900 रहता था, वो गिर के बिलो 200 आ गया है। लखनऊ के अंदर जो 350 प्लस 400 प्लस रहता ही रहता था, वो गिर के 150 बिलो आ गया है। और कानपुर के अंदर जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे भी 500-600 रहते ही रहता था, वो भी गिर के 150 के बिलो आ गया है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है देखने का कि मदर नेचर के साथ जो लोगों ने इतने समय से खिलवाड़ किया है, ये पे बैक कर रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान में हम लोग को रखनी है कि ये आउटब्रेक जब ख़त्म हो जाए, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, यार हम लोग को मदर नेचर को अपनी रिस्पेक्ट करना है, धरती को रिस्पेक्ट करना है, और उतने ही प्यार से ठीक करना है जितने प्यार से हम लोग अपने घर में चीज़ों को ठीक करते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान हम लोग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही बनती हैं जिनको हम लोग को पूरा निभाना है, पूरा करना है। जैसे कि क्या है, सबसे बेसिक है अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। जैसे कि आज है अपना संडे है, आज लास्ट संडे को मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मेरे थोड़ा सा कफ हो गया था और फीवर चढ़ गया था, मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कंसर्न किया, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरे पास कोई ऐसे सिम्टम्स तो नहीं है जो कोविड-19 से मिलते जुलते, उन्होंने कहा नहीं, आप टेंशन फ्री रहो, बस अपने आप को आइसोलेट कर लो। उस दिन से लेके मैंने सैटरडे तक, यानी कि कल तक मैं आइसोलेटेड रहा, अपने घर के अंदर निकला नहीं मैं घर से, मैंने बच्चों से भी दूर कर लिया, अपने आप को हर चीज़ से दूर कर लिया ताकि कोई भी मेरी वजह से इन्फेक्टेड ना हो। तो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग में भी कुछ हल्का सा ऐसे लक्षण होते हैं तो तुरंत आइसोलेट कर लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और पता करिए कि आपके अंदर कहीं कोविड-19 के लक्षण तो नहीं, अगर हैं तो डरिए ना, तुरंत जो भी डॉक्टर कहे उसको फॉलो करिए, और नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, तुरंत आइसोलेट करके अपने आप को ठीक करिए, बच्चों से दूर रहिए, और बाकी नहीं है बीमार तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने आप को साफ सुथरा रखिए, यही बेसिक चीज़ें हैं इस समय जो ज़रूरी है। और प्लीज़ पैनिक बाइंग ना करिए, पैनिक होके कि भैया लॉकडाउन होने वाला है, पता नहीं कब खुले ना खुले मार्केट, और सब कुछ खरीद लो, ऐसा नहीं करिए। सरकार को ही पता है कि भैया करोड़ों लोग हैं, भूखे नहीं होगा कोई, भूखा नहीं जाएगा कोई, तो सरकार भी उसी से ले के कुछ ना कुछ करेगी, शॉप्स धीरे धीरे करके खोलेगी ताकि आप लोग जाके परचेज कर सको। प्लीज़ पैनिक बाइंग ना करिएगा, सबको मौका मिले हर चीज़ लेने का, ये नहीं कि आप ही और आप ही सारा समेट के आ गए। अगेन आई एम सेइंग दिस, जनता कर्फ्यू इज़ नॉट अ जोक, ये बहुत ही बड़ी चीज़ करी गई है इस बड़ी महामारी, इस पैनडेमिक से लड़ने के लिए, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर कर सकते थे अपनी तरफ से, जितना कोशिश कर सकते थे उन्होंने ये चीज़ की है, एंड आई सैल्यूट हिम फॉर दिस डिसीजन, फॉर दिस जनता कर्फ्यू, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप घर से निकलोगे नहीं, किसी से मिलो जुलोगे नहीं,
तो इसके चांसेस गिर के मेरे मुताबिक 90% गिर जाते हैं, सिर्फ 10% रह जाते हैं कि किसी के हो सकता है। इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि अगला व्लॉग आए तो दुनिया में उसी खत्म हो चुकी हो और सब के चेहरों पे हंसी हो, सब खुश हों और ये चीज़ें ना हों। हम लोग दुआ करते हैं कि भैया ये चीज़ें ना हो। और फिर सोच लीजिए जब मस्जिद मंदिर सब कुछ बंद कर दिया गया है तो क्या चीज़ हो गई है, इसमें धर्म कहना कोई नाम ही नहीं रह रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, किसी ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। आज ही एक दुखद खबर गुजरात के सूरत से सामने आई, जब सूरत में 67 साल के एक व्यक्ति की कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण जान चली गई। आज ये खबर महाराष्ट्र से सामने आई, जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। बिहार में भी